की जय, संत समाज की जय। सबसे पहले निवेदन, प्रवचन के दौरान आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई सामने आकर के बंदगी नहीं करेंगे। प्रवचन के दौरान कोई सामने आकर के बंदगी नहीं करेंगे, प्रवचन के दौरान कोई आकर के भेंट पूजा नहीं करेंगे। आप सबको अवसर दिया जाएगा कार्यक्रम के लास्ट में। आप आते हैं, आपके भावनाओं को प्रकट करते हैं, पर व्यवधान सबको होता है, सबके नजरिए उधर जाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कोई बीच में सामने आने का प्रयास नहीं करेंगे। सभी लोग शांति से बैठे और मेरी बातें शांति से सुने। मैं कुछ सूत्रों के हिसाब से अपनी बात, अन्य माइक बंद कर देंगे, माइक बंद कर देंगे, आप कर देंगे माइक, माइक आप कर देंगे, आप कर दीजिए माइक। हेलो, आप लोग ध्यान से सुनिए बातें। जीवन में छोटी छोटी सुधार से ही जीवन का निर्माण होता है, और यह एक कहना चाहिए सुधार का केंद्र है। ये सुधार का केंद्र, सत्संग ही जीवन को सुधारने का केंद्र है। आइए, परम पूज्य श्री आदरणीय संत श्री सुशील साहेब जी, आदरणीय संत श्री अमृत साहेब जी, कबीर आश्रम नवा पारा छत्तीसगढ़ से आदरणीय संत श्री समेंद्र साहेब जी, महाराष्ट्र नंदुरबार जिला से आदरणीय संत श्री शिवेंद्र साहेब जी, मंचाशील वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आप सबके समक्ष जो कुछ आपसे सीखा हूँ उन्हीं बातों को आपके पास रखने जा रहा हूँ। हमारे जीवन निर्माण में कैसे कैसे हमारा जीवन निर्माण होता है, किन किन छोटी चीजों को हम सुधारते हैं तो हमारा जीवन चमकता चला जाता है। कल मैंने कहा था, हम जीवन को जितना ही तराशते जाते हैं, जीवन को जितना ही तराशते जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन चमकता चला जाता है, उतना ही हमारा मूल्य बढ़ता चला जाता है। और मैंने बीच में कहा था, यदि अवसर रहा तो संयम के विषय पर कुछ कहने का चर्चा करूँगा। आइए, संयम क्या होता है? संयम, सदगुरु ने एक साखी ज्ञान चौतीसा में सदगुरु कबीर की बीजक में एक खंड है ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा का एक पंक्ति है और उसमें ख अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं, ऐ लोगों शांति चाहते हो, शांति चाहते हो जीवन में, आत्मा शांति चाहते हो, परम तत्व को पाना चाहते हो, परम उपलब्धि चाहते हो, तो अपने जीवन में इंद्रियों को मना लो, इंद्रियों को मना लो। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, खक्खा चाहे घोरी मनावे, खक्खा चाहे घोरी मनावे। बस इसी पंक्ति पर निवेदन करने का प्रयास करूंगा। खक्खा का मतलब होता है शांति। सदगुरु कबीर चाहते कहते हैं, खक्खा चाहते हो तो घोरी मना लो, शांति चाहते हो तो खोरी। खोरी किसे कहते हैं? खोरी का मतलब होता है गली। और इस शरीर के लिए बातें चल रही है तो शरीर के लिए बातें चल रही, मतलब खोरी का मतलब हो गया इंद्रियों को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो। यदि इंद्रियों को वश में कर लेते हो तो आपको जीवन में शांति मिल जाएगी, आपको परम उपलब्धि मिल जाएगी, आप अपने आनंद में जिएंगे आप। और अशांति इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारे इंद्रियों में संयम नहीं है। हमारे आंख जिधर नहीं देखना चाहिए आंखें वो चीज देखती है, पर जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो शब्द बोलते हैं, जिधर हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए उधर चल पड़ते हैं, जो चीजें नहीं खाना चाहिए वो चीज खा लेते हैं। इंद्रियों में संयम नहीं है। भगवान कृष्ण, जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण पार्थ को उपदेश देते हैं, पार्थ
जो लोग यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों को भी इंद्रियां असावधान रहने पर कहीं के कहीं ले जाकर के पटक देती है, गिरा देती है। कहते हैं भगवान कृष्ण, इंद्रिया ही नहीं परमार्थी ही विषय ही वर्तन्ते। जो इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं या साधना करते हैं, उनको भी सावधान नहीं रहने पर इंद्रियां कहीं के कहीं ले जा करके गिरा देती है, पटक देती है। सावधान रहना, इंद्रियों से सावधान रहना, बहुत सशक्त बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। नहीं कि थोड़ी भी लापरवाही होगी तो इंद्रियां कहां के कहां ले जाकर के घसीट डालेगी, कहीं के कहीं तबाह कर देगी, कोई ठिकाना नहीं है। इंद्रियां कैसी है, एक मोटे उदाहरण आपको दूं। इंद्रियां जैसे गांव में बैल होता है, सांड, सांड कभी भी किसी के खेत में जाकर के मुंह मारता है ना, ठीक वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं। सावधान रहना, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सावधान रह करके कर्म करना, कभी भी असावधानी नहीं होना चाहिए। असावधानी के बल पर हमारा जीवन तबाह हो जाता है। ये इंद्रियां कैसी है, इंद्रियां जैसे एक आप एक पोटरी ले ले कपड़े, और कपड़े में सरसों के दाने ले ले, और सरसों के दाने की पोटरी बांध लो आप, और पोटरी बांध रहे हैं, पोटरी बांधते बांधते पोटरी छूट जाता है, पोटरी छूटने के बाद में सरसों के दाने बिखर जाते हैं, सरसों के दाने बिखर जाते हैं। सरसों के दाने यहाँ पर बिखरता है तो कहीं मंच पर आता है, कहीं गलीचे के नीचे चला जाता है, कहीं तिरपाल के नीचे चला जाता है, कहीं गद्दे के नीचे चला जाता है। ये सरसों के दाने जैसे बिखर जाता है, ठीक ऐसे ही असावधान रहने पर हमारी इंद्रियां बिखर जाती है, इंद्रियां बिखर जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में इंद्रियों में संयम नहीं है, वो व्यक्ति कभी सुख और शांति का जीवन नहीं जी सकता है। इंद्रियां ही संयम की पाठ सिखाओ, इंद्रियों को अपने वश में रखो। आप सद्गुरु कबीर कहते हैं, तनक चलाए मन चले जाते सर्वस जाए। यदि तन के हिसाब से मन को चलाते हो, मन के हिसाब से तन को चलाते हैं, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लूट जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, तन और मन को एक रखो। सद्गुरु कबीर कहते हैं, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहाए। सद्गुरु कबीर हंस की उपाधि देते हैं। जब तन और मन आपका एक हो जाता है और परम उपलब्धि की ओर लग जाता है, परम उपलब्धि परम शांति की खोज में लग जाता है, तब आप कबीर कहलाते हैं, हंस कबीर कहलाते हैं। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? इसमें बैठे बहुत लोगों का परम उद्देश्य कुछ और होगा, किसी का और कुछ होगा, किसी का और कुछ होगा, लेकिन मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज है, याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ एक ही चीज है। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य बंगले पर बंगले बनते जाए, मकान पर मकान खड़े होते जाए, एक खेत खेत चार बीघा का छह बीघा होते जाए, परिवार बढ़ते जाए, गाड़ी बंगले बढ़ते जाए, लोग समझते हैं उपाधि बढ़ते जाए, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलते जाए, पैसा खूब छापते रह जाए, ये मनुष्य की उपलब्धि समझते नहीं। बंधुओं, आत्मी बंधुओं, ये मनुष्य की उपलब्धि नहीं है, परम उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि हो सकती है कुछ, लेकिन परम उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये डर और भय का कारण हो सकता है आपका। जितना आपका संपत्ति बढ़ता है, धन बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, उतना ही आप डरते चले जाते हैं, आप उतना ही डरते चले जाते हैं। मनुष्य जीवन का परम उपलब्धि है क्या है, आप ध्यान से सुनिए। मनुष्य जीवन का परम उपलब्धि है अत्यंतिक सुख की प्राप्ति। मात्र एक शब्द है, अत्यंतिक सुख की प्राप्ति। अत्यंतिक का मतलब होता है वह सुख जो अनंत काल तक बना रहे, निरंतर हमारे साथ अनंत काल तक कभी नहीं छूटने वाला, उस सुख का नाम है अत्यंतिक सुख। अत्यंतिक सुख, अत्यंतिक सुख की प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। आप सब उसके लिए प्रयास करें, इंद्रियों को वश में रखिए। आप जिधर ही आप ऑपरेट करें इंद्रियों को, आपकी आंखें उधर देखें, आपका आप अपने मन को जिधर के लिए आप इशारा करें, मन वही चीज सोचे, जिधर के लिए आप ऑपरेट करें अपने हाथों को, आपका हाथ उधर जाए, जिधर के लिए आप पैर को संदेश करें, पैर आपका उधर जाए, मन को अपने वश में रखिए। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यवश मन को हम अपने वश में नहीं रखते हैं, मन हमको वश में रखता है, मन को हम वश में नहीं रखते हैं। जय
बोलिए सद्गुरु देव की जय। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बातें समझ में आएगी, नहीं तो आप बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, निकलता चला जाएगा। नौमी सिंह जी इतना बड़ा व्यापक रूप से प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर लीजिए। आप लोग सबको अवसर मिला है, आपको जीवन लेवल को स्तर, जीवन लेवल के स्तर को ऊपर उठाने का आज अवसर मिला है। कल यह अवसर नहीं मिलेगा, कल यह अवसर नहीं मिलेगा। कल आप लोग आएंगे यहाँ कोई नहीं रहेंगे, एक भी आदमी नहीं रहेंगे, सुना रहेगा, सिर्फ एकदम सुना रहेगा। मैंने कहा हम इंद्रियों को अपने इशारे पर चलाए, अपने इशारे पर हम जिधर मन को हम ऑपरेट करें, मन वही चीज सोचे, जिधर के लिए हम आँख को ऑपरेट करें, हम आँख उधर ही देखे, जो हम कहे वही अपने हिसाब से हम इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाए। लेकिन होता क्या है आप सब जानते हैं, होता उल्टा रहा है, होता उल्टा है। इंद्रियां हमको चला रही है, हम इंद्रियों को नहीं चला रहे हैं, हम इंद्रियों को इशारे पर नाच रहे हैं, हम अपने इशारों पर इंद्रियों को नहीं नचा रहे हैं। क्यों? आंखों से दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है आंखों में, दृश्य देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, टीवी देखते चले जा रहे हैं, सीरियल लगा लिए हैं, फिल्म देखते चले जा रहे हैं, आंखों में चुभन हो रही है। रात्रि के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आंख कह रही है बस करो बस करो, लेकिन हम देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। जब अच्छे मिठाई आ जाते हैं तो एक पीस दो पीस खाना चाहिए, लेकिन स्वाद के चक्कर में, जीभ के चक्कर में आकर के हम चार पीस छह पीस पेट में ठूसते चले जा रहे हैं। पेट से जवाब आ जा रहा है बस करो बेटा मत खाओ मत खाओ, लेकिन हम ठूसते चले जा रहे हैं, ठूसते चले जा रहे हैं, ठूसते चले जा रहे हैं। कौन चला रहा है हमको? कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं? नहीं, हम नहीं चला रहे हैं, इंद्रियां हमको चला रही है। और जिस व्यक्ति को इंद्रियां चला रही है, व्यक्ति इंद्रियों के इशारे पर परतंत्र रहता है, और हमेशा परतंत्र आदमी सुखी नहीं हो सकता है। आत्मीय बंधुओं, सुखी नहीं हो सकता है, आपको सुखी होना है तो मैंने बीच में कहा अत्यंतिक सुख की प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, आप प्रयास करिए। उस सुख के लिए आप लग जाइए, अपने जीवन को निछावर कर दीजिए उस सुख के लिए। आप बाहरी सुख के लिए दौड़ते हैं, हम बाहरी प्राणी और पदार्थों के लिए दौड़ते हैं, काश अपने जीवन का, काश अपने जीवन का हम 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकाल लेते तो हम परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं। 2 घंटे अपने लिए निकाल लेते तो परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कोई नहीं निकालते हैं अपने लिए जीवन को, इसमें बैठे हैं 300-400 लोग बैठे होंगे, कोई अपने जीवन के लिए घंटा भर नहीं निकाल पाते होंगे, कोई बैठ करके आत्मचिंतन नहीं कर पाते होंगे। मनुष्य जीवन का कारण क्या है? मनुष्य जीवन पाकर के क्या मुझे धन इकट्ठा करना मेरी उपलब्धि है? क्या परिवार बढ़ाना मेरी उपलब्धि है? क्या बैंक बैलेंस करना मेरी उपलब्धि है? गाड़ी बंगला खरीदना मेरी उपलब्धि है? क्या इसीलिए मेरा पैदा हुआ है? क्या इसीलिए मैं पैदा हुआ है? गुरुजी ने एक संत को पूछा, एक भक्त को पूछा, खाते क्यों हो, कमाते क्यों हो? तो उन्होंने कहा साहेब जी कमाते इसलिए खाने के लिए, खाते क्यों हो? जीने के लिए। फिर पूछते हैं जीते क्यों हो? कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। जीते क्यों हो? कोई पता नहीं है। जियो आत्म कल्याण के लिए, जियो आत्म कल्याण के लिए। पैसा के लिए मत जियो, लड़ाई के लिए मत जियो, परिवार के लिए मत जियो, अपने लिए जियो, आप अपने आत्म कल्याण के लिए जियो। जीवन में संयम की बहुत ही जरूरत है, बिना संयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को, बिना संयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं, संयम बहुत जरूरी है। फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट का आप नाम सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, स्कूली पढ़ाई कर रहे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक किराए के मकान में रहता था नेपोलियन बोनापार्ट, किराए के मकान में रहता था। उस मकान मालिक एक लड़की थी, जो जब भी नेपोलियन बोनापार्ट अपने कमरे में होते तो वो लड़की आती और उनके सामने नाच नौटंकी करती, उनको रिझाने का प्रयास करती, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जब भी वो लड़की आती तो नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ता रहता या लिखता रहता या भोजन बनाता रहता या कपड़ा धोता रहता। एक मिनट भी उस लड़की को टाइम नहीं दिया नेपोलियन बोनापार्ट, एक मिनट भी उस लड़की को टाइम नहीं देता है। जब नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ाई के दौरान पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद में फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है, फ्रांस का प्रधान सेनापति। जब फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है तो फ्रांस का प्रधान सेनापति बनने के बाद में अपने घुड़सवार होकर के उसी
जिस मकान पर रहता था उधर ही चला गया, वो उधर ही चला गया, और जिस घर में रहता था उधर ही जाता है। वो बहन को देख करके पहचान लेता है, फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, उसके साथ में और कई लोग गए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट उस बहन से पूछता है, बहन क्या यहाँ कोई नेपोलियन बोनापार्ट नाम का कोई व्यक्ति रहता था, आप जानते हैं? वो लड़की कहती है, हाँ उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, उनका जीवन के बारे में मत पूछो, संगीत विहीन जीवन है, रसहीन जीवन है, बस पुस्तकों की कीड़ा है वो, उसके बारे में कुछ भी मत पूछो। नेपोलियन बोनापार्ट अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। इतनी में नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, बहन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो फ्रांस का प्रधान सेनापति मैं हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट। यदि तुम्हारे चंगुल में मैं फंस जाता तो आज फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं बनता, बल्कि मैं एक साधारण सा सिपाही होता, साधारण सा सिपाही होता। स्टूडेंटों से, भाइयों से निवेदन है, अपने पढ़ाई जीवन में अपने टाइम को, अपने वक्त को बर्बाद होने मत दीजिए, बर्बाद मत। टाइम के बारे में याद आई तो मैं कहूँ, यदि अपने जीवन का आप एक मिनट बर्बाद करते हैं, अपने समय एक मिनट बर्बाद करते हैं, मतलब अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी का एक मिनट बर्बाद करते हैं, अपने जीवन का एक मिनट बर्बाद करते हैं, कितना समय मूल्य है। उस बर्बाद हुआ वक्त को अरबों रुपया दे करके भी आप वापस नहीं ला सकते हैं, उस समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं। आप यदि आपने किसी के साथ में एक घंटा विवाद किया, मतलब आपके जीवन का एक घंटा बर्बाद हो गया, एक घंटा बर्बाद हुआ। एक घंटे बैठ करके निंदा चुगली किए, मतलब आपके जीवन का एक घंटा बर्बाद हो गया। इसलिए माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, चौपाटी में बैठकर, घर के बाहर बैठकर किसी की निंदा चुगली करके अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। आप अपने जीवन के बेशकीमती जीवन को तबाह होने मत दीजिए। सुंदर परिवार बनाइए, सुंदर घर बनाइए, घर में स्वर्ग का सिंहासन लगाइए। आप प्रेम की जिंदगी जिए, आनंद का जिंदगी जिए, बादशाहत का जिंदगी जिए। किसी के सामने नाक मत रगड़ते रहिए, भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। आप आपके पास वीरता है, आपने परिवार बसाया है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पास ताकत है, हर्ष है, एक बादशाह की जिंदगी जिए। भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। जो भगवान को मानते हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, भगवान इस दुनिया में है लेकिन मैं रीजनल भगवान को मानता हूँ, रीजनल भगवान को। आज पूरे भारत देश, पूरे विश्व कोरोना महामारी में तबाही में मच रहा था, तो सारे भगवान के दरवाजे बंद पड़े थे। कौन सा भगवान काम आता है आपको पता है? भगवान के भरोसे बैठे रहते तो पूरा भारत का पूरा विश्व शमशान घाट नजर आता, पूरे विश्व शमशान घाट नजर आता भगवान के भरोसे बैठे रहते। लेकिन असली भगवान ने काम किया, वही डॉक्टरों ने, वही नर्सों ने आ करके इंजेक्शन लगाया, टीका लगाया, इलाज किया, तब आज हम सब जिंदा है, नहीं तो लाश पड़ी होती हमारी, हमारे लाशें से गुजरना होता लोगों को। असली भगवान को आप पहचानिए, असली भगवान। मनुष्य है तो संयम जरूरी है। मैं पुनः अपने विषय पर आई हूं, मैं कुछ बात करता जाऊंगा, पुनः संयम की बात कर रहा हूं मैं। संयम बहुत ही जरूरी है। इसी तरह मैंने कहा नेपोलियन बोनापार्ट ने संयम की परिभाषा करके एक प्रधान सेनापति बन गए। इसलिए मैं भाइयों से निवेदन करता हूं, बच्चों से निवेदन करता हूं, स्टूडेंटों से निवेदन करता हूं, अपने जीवन को तबाह होने मत जाए। आजकल की आबोहवा, एक लड़की लड़का से मिलते हैं, प्यार करते हैं, जिंदगी को तबाह करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, जिंदगी को तबाह करते हैं। क्या आपके माँ बाप आपके शादी नहीं करेंगे? क्या आपके माँ बाप आपके शादी नहीं करेंगे, आपके लिए घर नहीं बनाएंगे? अपनी जिंदगी को क्यों तबाह करते हैं आप सब? अपने जीवन के मूल्य समझिए। आप किसी के साथ में प्यार नहीं करते हैं, मोह करते हैं। प्यार तो सबसे करना चाहिए, प्रेम तो सबसे करना चाहिए। आप मोह करके जीवन को तबाह कर देते हैं, मोह करके जीवन को तबाह कर देते हैं। कितनी खुशनसीब माँ बाप होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं। बड़ी तमन्ना होती है, मेरे माँ मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे पोस्ट पर जाए, बहुत ही तमन्ना होती है। और आप क्या कर डालते हैं, क्या कर डालते हैं? आप अपने माँ बाप के सामने सर झुका करके रहते हैं, सर उठा नहीं सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपना ही सर नहीं झुकाते हैं बल्कि पूरे परिवार का सर झुका देते हैं, पूरे परिवार का सर झुका देते हैं। शर्मिंदगा शर्मंदी की जीवन जीते हैं आपके माँ बाप, आपकी वजह से, आपकी वजह से। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को आप सत्संग में लाइए। आइए मैं पुनः अपनी बात पर आऊँ, संयम जरूरी है।
उतना ही खाए जितना हमारा पेट पचा सके, अधिक खाने की जरूरत नहीं है। वही चीज खाए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। खाने पीने से, मैं कल भी कहा था, खाने पीने से ही हमारा जीवन का शुरुआत होता है। ज्यादा तड़क भड़क की चीज खाते हैं तो हमारा विचार, हमारे मन मस्तिष्क में वैसे तड़क भड़क के विचार आएंगे, इसलिए सात्विक भोजन हो। मैं पहले ही दिन कह चुका था, अंडा, मांस, मछली, शराब, गुटखा, तंबाकू, ये सारे चीज मत खाइए, मत पीजिए। शराब ना पीना बंधु, पागल फिरोगे बाजार में, याद रखना। शराब पी करके अपने ही परिवार वाले, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपसे ही प्यार करना छोड़ देंगे। संयम की जरूरत है। संयम की बात आई तो मैं कहूँ, आप जानवर नहीं है, इंसान है। मैं बात सीधी कहता हूँ, कड़वी लगेगी तो आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन विचार करिएगा मेरी बातों को। गाय को मांस दे दो आप, गाय को मांस दे दो, क्यों ना गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर को आप घास दे दो, लेकिन शेर मर क्यों ना जाए, लेकिन शेर घास नहीं खाएगा। लेकिन आदमी एक ऐसा जानवर है जो सबको हजम कर जाता है, सबको हजम कर जाता है। इंसान है, इंसान की तरह जिए हम। और सद्गुरु कबीर की वाणी यही संदेश देती है, इंसानियत है तो इंसानियत पैदा करिए, जानवर की तरह जीवन मत जिए। बादशाह का जीवन जिए आप, बादशाहत का जीवन जिए। एक जगह एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। एक बहुत बड़े भव्य मंदिर में एक बड़े लोग आए, बड़े लोग आए, और बड़े लोग आए, उनके पास में बहुत सारे चीज थे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही लिखा था, मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये लिखा था कि इस मंदिर में कोई भी चीज लेकर के मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। ये संयम की परिभाषा बता रहा हूं आपको। मंदिर में प्रवेश करने से पहले लिखा था कि मंदिर में कोई भी चीज लेकर के प्रवेश करना वर्जित है। बड़े लोग थे, उनके पास में बड़े बड़े थैले थे, बड़े बड़े कैमरे थे, फोटो कैमरा अलग था, वीडियो कैमरा अलग था, बड़ा बड़ा थैला था। कहीं से यात्रा करके आ रहे थे, अब उसको रखे तो रखे कहाँ, इतने सारे सामान, करीब 20 की टोलियां थी, इतने सारे सामान रखे तो रखे कहाँ। और मंदिर में जाना भी सबको था, सभी ने किया का, सबके सभी सामान, अपना अपना सारे सामान को ला करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिए, अपने जेब टटोलते गए, जेब से पर्स भी निकाल करके रखते गए, पर्स भी निकाल करके रखते गए। और वहां पर एक कुत्ता था उनके साथ में, एक कुत्ता था, दिखने से भी डरावना लगता था, भयावह। मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुत्ते के मालिक कुत्ता से कहते हैं, इसका ध्यान रखना, कुछ नहीं होना चाहिए। इतना ही कहता है, इसका ध्यान रखना है, कुछ नहीं होना चाहिए। और सभी लोग कीमती से कीमती सामान, मोबाइल, कैमरा, पर्स, सब कुछ छोड़ करके चले गए, मंदिर में प्रवेश कर गए। और करीब करीब मंदिर से घूम करके आते आते डेढ़ घंटा लग गया, डेढ़ घंटा लग गया। कुत्ता वहां से टस और मस नहीं होता है, हिलता नहीं है। किसी के मजाल है कि कोई आदमी वहां का सामान छू सके? किसी की मजाल है जो आदमी वहां का सामान छू सके? कोई सामान नहीं छूता है। देखिए, जीव जंतु में इतना डिसिप्लिन है, इतना संयम है। आदमी अपने इशारे पे पूरी दुनिया को नचाती है अपने इशारे पर, लेकिन अपने आप से खुद परतंत्र बना है। बीड़ी और सिगरेट के लिए भीख मांगता है, नाक रगड़ता है, भगवान नौकरी दे दो, अरे कर्म करो, कर्म से आदमी महान बनता है, कर्म से आदमी वीर बनता है, कर्मों की पूजा करो, क्यों नाक रगड़ते हो, क्यों ये सब दुनिया में पड़े रहते हैं आदमी। डेढ़ घंटा लग जाता है मंदिर से आने के बाद, देखते हैं सामान जैसा का तैसा पड़ा रहता है। देखिए, कुत्ता में इतना डिसिप्लिन है, कुत्ता में इतनी डिसिप्लिन है। जब सर्कस दिखाता है, सर्कस दिखाने वाले तो खूंखार जानवर को अपने इशारे में नचाता है, शेर को कहता है आदमी को और बैठ जाओ, शेर उसके ऊपर बैठ जाता है। आप देखे होंगे सर्कस, कुछ लोग शेर उसके ऊपर बैठ जाता है। खूंखार जानवर, खूंखार जानवर को अपने इशारे, जो मांस खाता है उसको भी अपने इशारे पर नचाता है, उसको भी अपने इशारे पर नचाता है। शेर कुछ नहीं करता है, उठ जाओ कहते हैं उठ जाता है। शेर, चीता, भालू सबको अपने इशारे पर नचाता है, और आदमी खुद अपने इशारे पर नहीं नचाता है। एक जगह एक मंदिर, एक बच्चे के यहाँ एक संत गए, और एक संत गए तो एक बच्चा ने कहा, महाराज जी मैं खेल दिखाऊं? तो कहते हैं दिखाओ। तो एक खिलौना लाया था, एक खिलौना लाया था तो खेल दिखा। बच्चा कहता है, महाराज जी आप गो कहो तो चल पड़ेगा, कम कहो तो रुक जाएगा, वहीं पर आ जाएगा आपके पास वापिस। तो कहते हैं बोलो। महाराज जी बोलते हैं गो, उनका खिलौना चल पड़ता है, उनका खिलौना चढ़ पड़ता है, कम कहते हैं वापिस आ जाता है, वहीं पर रुक जाता है।
काश ऐसे ही हमारी इंद्रियां होती, गो कहते चल पड़ता, रुकने स्टॉप कहते रुक जाता, काश ऐसे ही इंद्रियां होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इससे अच्छा है कि हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, जैसा चाहे हम जी सकते हैं, उससे अच्छा है। लेकिन जो कमजोर होते हैं, जो बुजदिल लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वो दूसरों के इशारे पर नसते हैं, अपने आप को परतंत्र साबित करते हैं, बादशाहत का जीवन नहीं जीते हैं। संयम बहुत जरूरी है। संयम की परिभाषा देखिए आप, संयम की परिभाषा बहुत ही जरूरी है। बिना संयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी संयम की परिभाषा दिखाते थे। महात्मा गांधी जब उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई को उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, डॉक्टर ने कहा उनको कि तुमको नमक नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है। कस्तूरबा बाई को लगता था क्या सीठा सीठा खाए, नमक कैसे नहीं खाऊं। वो बिचारी करती क्या थी, चुपके से नमक खा लेती थी। एक दिन महात्मा गांधी उनके खाते हुए भोजन को छीन करके चखा, तुम नमक खाती हो? तो महात्मा गांधी ने कहा, अब तुम नमक खाओ या ना खाओ कोई बात नहीं, मैं 6 महीने के लिए नमक को टच भी नहीं करूंगा। कस्तूरबा बाई नाक रगड़ती है, आप क्यों नहीं खाओगे, मैं तो आप खाओ, मैं छोड़ दूंगी। तो महात्मा गांधी कहते हैं, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, अर्धागनी हो, मैं खाऊं और तुम नहीं खाओ तो क्या मतलब होता है, इसलिए अच्छा मैं छोड़ देता हूं। ये महात्मा गांधी का संयम है। महात्मा गांधी बादाम खाते थे तो 6 बादाम भिंगाना था तो उनके साथ में 6 के साथ में 8-10 बादाम भंगा देते थे। तो महात्मा गांधी कहे 6 बादाम भिंगाया करो। दूसरे दिन उनके साथी ने फिर 8 बादाम भिंगाया तो महात्मा गांधी कहे मैं 6 ही बादाम खाऊंगा, 8 नहीं खा सकता, तुम खा लेना, तुमको खाना है। तो ये संयम की परिभाषा है। आत्मीय बंधुओं, बिना संयम के आप विकास नहीं कर सकते हैं। कथा वाचक मंच पर बैठे रहते हैं, कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, पान खा रहे हैं, गलगला रहे हैं, थूक रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, साधु बने हैं, गंजा का दम लगा रहे हैं, सिगड़ी और सिगरेट थूक रहे हैं, साधु भी बने हुए हैं, क्या ऐसे लोग समाज का विकास कर सकते हैं? मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को कड़वी लग रही है बात, लेकिन आप विचार करिए। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे संतों से जुड़े, अच्छे लोगों को बुलाइए जो आपको अपने आप से मुलाकात कराए। ये कहना चाहिए जीवन सुधार का केंद्र है सत्संगी, जीवन परिवर्तन केंद्र कहा जाता है सत्संग को, जीवन परिवर्तन केंद्र। आप अपनी इंद्रियों को अपने इशारे पर ना चाहिए, अपनी इंद्रियों को ना चाहिए। एक बुढ़िया माँ की अवस्था लगभग 80 वर्ष की अवस्था थी। उन्होंने सुना था कि गंगा मैया में स्नान करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। उनके मन में एक तमन्ना रही कि मैं भी गंगा स्नान कर लूं। मन में एक तमन्ना थी। बुढ़िया माँ धीरे धीरे घर से निकलती है, धीरे धीरे चलते 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 गंगा में पहुंच जाती है, गंगा स्नान करती है। गंगा स्नान तो कर ली है, चलते चलते आई है, थक गई है, 80 वर्ष की अवस्था है, अब कैसे चला नहीं जा रहा है। बुढ़िया माँ जैसे ही स्नान करके निकलती है तो बगल में एक ऊंट बैठा हुआ था। बुढ़िया माँ उस ऊंट पर बैठ जाती है और ऊंट खड़ा हो जाता है, ऊंट चलना शुरू कर देता है। लोग पूछते हैं बुढ़िया माँ किधर जा रही हो? बुढ़िया माँ कहती है, बेटा मुझे पता नहीं है, मेरे पास में नखेल तो है नहीं, ऊंट जिधर ले जाए उधर ही मैं चले जा रही हूँ, मेरे पास नखेल नहीं है। ये एक बुढ़िया माँ की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। नखेल नहीं है, इंद्रियों में संयम नहीं है, इंद्रियों में लगाम नहीं है, तो इंद्रियां ऊंट की तरह हमको जिधर ले जाएंगे उधर ही हम भटकते भटकते चले जाएंगे और जीवन तबाह हो जाएगा। संयम होना चाहिए, लगाम होना चाहिए, अपने इशारे पर ना चाहिए। यदि आप संयम की परिभाषा पढ़ लेते हैं, संयम जीवन जीते हैं, तो आपसे आदर्श लेंगे, परिवार के लोग वो संयम का पाठ सीखेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण अपने घोड़े के लिए चारा की व्यवस्था खुद करता था। इतने में द्रौपदी कहती है, भैया हमारे यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, इतने लोग हैं, आप भला ये सब काम कौन करते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, घोड़े पर सवार मैं हूँ और उसका व्यवस्था कोई दूसरा करे, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ?
मैं कर सकता हूँ, मेरा घोड़ा है मेरे इशारों पर नाचता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे इशारों पर नाचता है, मेरा घोड़ा है मेरे हिसाब से चलता है। मैं जहाँ बैठने कहता हूँ वहाँ बैठ जाता है, जहाँ उठने कहता हूँ उठ जाता है, जहाँ कूदने कहता हूँ कूद करके चलना शुरू कर देता है। भगवान कृष्ण इशारों पर नचाते थे अपने घोड़े को। कभी भी भगवान कृष्ण ने घोड़े पर चाबुक नहीं लगाया है। पूरे युद्ध के दौरान कभी भगवान कृष्ण ने चाबुक नहीं लगाया घोड़े पर, याद रखिएगा। आप कितना ही चाबुक मारते रहे, अगर संयम नहीं रहे तो जीवन में चाबुक मारते मारते थक जाएंगे, रहेंगे जहां के तहां, हम सब रहेंगे जहां के तहां। भगवान कृष्ण युद्ध के युद्ध चल रहा है, घोड़े को इशारा करता था, हाथ का इशारा देता था, घोड़ा बैठ जाता था। कर्ण ने बाण छोड़ा तो किसको? युधिष्ठिर को लगने वाला था, अर्जुन को लगने वाला था। तो अर्जुन को बाण लगने वाला था, इतना में घोड़े को इशारा करता है और घोड़े को इशारा करते ही उनका घोड़ा बैठ जाता है और बंदूक बाण ऊपर से होकर के निकल जाता है। किसके इशारे पर नस्ता था, किसके इशारे पर? ये संयम की परिभाषा है आत्मीय बंधुओं। जीवन में बिना संयम के कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना संयम के कुछ नहीं हो सकता है। आदमी के पास इतनी महाशक्ति है, इतनी शक्ति है कि बताऊं क्या मैं, जो जन्म के दुश्मन होते हैं उनको भी मित्र बना देते हैं। एक जगह मदारी खेल दिखा रहे थे, मैं आपको जो बता रहा हूं वो घटनाएं हैं, मैं कहानी और किस्सा में अपना समय नहीं देना चाहता हूं, ये घटनाएं हैं, आप इसको विचार करिएगा। एक मदारी खेल दिखा रहा था, खेल दिखाते दिखाते मदारी ने सर्प और नेवला को निकाला और सर्प और नेवला अपने झोली से निकालता है और एक दूसरे में दोनों कटिबद्ध हो जाते हैं, खूना खून हो जाते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं बस करो भैया, दोनों खूना खून हो गया है, मर जाएंगे। इतना में मरदारी कहते हैं बस करो बेटा, सर्प और नेवला चुपचाप वहीं पर बैठ जाते हैं, उनकी झोली में बगल में आ जाते हैं। जो जन्म के दुश्मन है, आप सबको पता है, जो जन्म के दुश्मन है उसको भी मदारी ने अपने इशारे पर दिखा करके मित्र बना दिया। दूसरा फिर निकालता है, इधर से चूहा और बिल्ली को निकालता है, वो भी दूसरा एक दूसरे में कटिबद्ध हो जाते हैं, खूना खून हो जाते हैं। उसको भी मदारी कहते हैं बस करो बेटा, अब यहीं समाप्त करते हैं। चूहा और बिल्ली अपने अंदर हो जाता है। आत्मीय बंधुओं संयम जरूरी है। कब तक लड़ेंगे परिवार वालों से? आप प्रेम की जिंदगी जिए, आनंद की जिंदगी जिए, आनंद की जिंदगी। जब तक आपके जीवन में संयम नहीं होगा, आप विकास के क्रम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप संयम की शुरुआत कहां से करें। तो संयम की शुरुआत सबसे ज्यादा इस मुंह से करिएगा, इस मुंह से। याद रखिए, हमारे आंख दो है लेकिन कान सिर्फ एक है। आंख से हम सिर्फ देखते हैं, नाक दो है सिर्फ नाक से हम सूंघते हैं, कान दो है सिर्फ कान से सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन जीभ एक है और इस जीभ से एक मुलायम सा जीभ है जिसमें हड्डियां भी नहीं है, मुलायम सा जीभ है। इसका तीन तीन काम है, सावधानी से उपयोग करना, नहीं तो ये जीभ कहीं के कहीं ले जा करके तबाह कर देगी जीवन को और बर्बाद कर देगा। जीभ मुलायम है, हड्डियां नहीं है, काम तीन है, कौन से काम है? उस जीभ से रसपान करते हैं, उस जीभ से भोजन करते हैं, उस जीभ से बोलते भी हैं। जीभ से शुरुआत करना अपने जीवन में संयम में। जिस घर में परिवार में लड़ाई चलती हो, जीभ पर संयम कर लेना, आपके घर में लड़ाई बंद हो जाएगी, आपके घर में लड़ाई बंद हो जाएगी। आप हमारे देश में, पूरे भारत देश में दो महाकाव्य है, एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। महाभारत और रामायण दोनों महाकाव्य है, दोनों सिखा देता है जीवन में संयम की क्या जरूरत है। महाभारत युद्ध का एक ही कारण, सिर्फ हमें एक ही कारण कहता हूं तो जीभ पर असंयम होने की वजह से, इंद्रियों में असंयमित होने की वजह से महाभारत युद्ध होता है। जब युधिष्ठिर राजयज्ञ करने वाले थे, उन्होंने राजयज्ञ की तैयारी के राजयज्ञ करते हैं तो उनका महल ऐसा था जहां जल थल दिखता था, जहां शीशा नहीं है, जहां वहां शीशा दिखाई देता था, जहां दीवाल है वहां सीधा रास्ता दिखाई देता था। कलाकारी ऐसे उन्होंने कल कहानी में दिया गया है, ऐसा बनाया गया था जहां जो चीज नहीं है वो चीज दिया गया था।
उस राजसी यज्ञ में दुर्योधन भी आए थे। दुर्योधन जैसे ही आते हैं सीधा चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं युधिष्ठिर के दासी कहते हैं महाराज आके संभल करके चलना, आगे कीचड़ है सावधानी से चलना। दुर्योधन अहंकार के मारे हमेशा फूल रहता था। दुर्योधन आगे बढ़ता है, हट दासी तुम मुझको समझाओगे, सामने सामने रास्ता दिखाई दे रहा है और तुम कहते हो कीचड़ है। दुर्योधन आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है और पानी में गिर जाता है, कीचड़ से लथपथ हो जाता है, कीचड़ से लथपथ हो जाता है। द्रौपदी ऊपर फर्स्ट मंजिल पर थी, वहां से देखती है और हंसते हंसते बोलती है, अंधे के अंधे पुत्र पूरे महाभारत का कारण है। इतना ही बोलती है द्रौपदी, अंधे के अंधे पुत्र पूरा महाभारत युद्ध का कारण है। आप याद रखिएगा, कभी लंगड़े को लंगड़े मत कहना, अंधे को अंधे मत कहना। यदि अंधे को अंधे हम कहते हैं, लंगड़े को लंगड़े हम कहते हैं, तो हमसे अंधे और हमसे लंगड़े कोई नहीं हो सकता है। हमको जब दिखाई दे रहा है कि वो अंधा है तो उनको अंधा कहने की क्या जरूरत है? किसी की कमजोरियों को कोसने की जरूरत नहीं है। किसी की कमजोरियों को आप कोसना मत, नहीं तो बदौलत आपको वो चीज दूसरा परिणाम गलत आ जाएगा। कोसना मत किसी की कमजोरियों को। द्रौपदी बोलती है, अंधे के अंधे पुत्र दुर्योधन, इतना में झल्ला जाता है, इतना में चिड़चिड़ा जाता है, झल्ला जाता है और उसी समय वो ठान लेता है, उसी समय ठान लेता है, चाहे जिस किसी प्रकार से मुझे अब पांडव कुल का विनाश करना है, पूरे पांडव कुल का विनाश करना है। और पूरा महाभारत युद्ध होता है, पूरा महाभारत युद्ध होता है, जहां तक उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे पांडव परिवार ने, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बिना लड़ाई के एक सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दे सकता हूं, उन्होंने यही कह दिया। और महाभारत युद्ध होता है, पूरे महाभारत, आपके घर में भी यही युद्ध चलता है, आप सबके घर में चलता है। इसलिए आपस में कभी बैठे, मैं कल भी कहा था कि आपके घर में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। सदगुरु अभिलाष साहब जी जहां जाते कहते ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। ईटिंग और मीटिंग का मतलब होता है एक साथ भोजन करो और एक साथ कुछ विकास की चर्चा करना है, घर की चर्चा करना है, आत्मज्ञान, एक साथ बैठ करके 24 घंटा में एक साथ बैठ के बातें नहीं कर सकते तो क्या करेंगे जीवन में हम? आपका घर स्वर्ग बन जाएगा शुरुआत करेंगे तो। स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ से जाने के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई शराब पीते होंगे तो निवेदन करता हूँ मुझे एक चीज बस दे देना, आप सबके साथ जो शराब पीते हो मेरी रोड शराब छोड़ देना मेरे लिए, उसके बाद मैं पीऊँ या मरूँ मेरी मर्जी है, वो मेरे लिए सब शराब छोड़ देना। कोई गांजा पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, माताएं गुड़ाखू बजती हो, सबसे निवेदन है कि सबके सब सारे नशा मेरे लिए छोड़ के चले जाना। यहाँ से जाने के बाद में लगना चाहिए कि वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होकर के आया है, ये व्यक्ति सत्संग सुन करके आया है। यहाँ से जाने के बाद में आप अपने बहू से, बेटे से, माँ से, बाप से, सास से, ससुर से प्रेम से बात करना, बस प्रेम से बात करना। उनको लगना चाहिए सत्संग में गए थे, कुछ बदल करके आए हैं। आप बदलिए जीवन को, आपके जीवन ऊंचा उठ जाएगा, आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे, लगेगा कि वास्तव में मैं एक अच्छी जिंदगी का शुरुआत कर चुका हूं। आज आपको अवसर मिला है, आज आपको अवसर मिला है। दूसरा मैं उदाहरण दूं, दूसरा उदाहरण है हमारे महाकाव्य में रामायण। रामायण पूरा सीखने का आदर्श का हमारे सामने है, लेकिन एक तरफ रामायण भी बनने का कारण वाणी में असंयम, एक जगह घटना घटती है जो कि सीता हरण का कारण है। मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मैं सत्य बातें बोल रहा हूं। आपको पता है जब जंगल में वनवास, जंगल में श्री राम लक्ष्मण और माते सीता जब जंगल में थी तो वहां घना घोर जंगल था, उस जंगल में वो लोग रहते थे। रावण की मन जब श्री राम और लक्ष्मण के बारे में सुर्पनखा सुनती है कि वहां एक सुंदर युवक आया है उनके बारे में सुनने के बाद में उनका मन चल पड़ता है और वहां आ जाती है वो।
और आ जाती है और लक्ष्मण को कहती है कि तुम मेरे साथ में शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ में रह जाऊंगी। उनको देख करके बोलती है नहीं मानने पर में लक्ष्मण नाक काट देता है, लक्ष्मण नाक काट देता है। नाक काटने के बाद में श्री राम, नाक काटने के बाद में फिर होता क्या है, ये बातें श्री सारी बातें जा करके अपने भैया को रावण को बताते हैं कि वहाँ एक सुंदर रूपवती लड़की आई है, उनके साथ में दो पुरुष है। उनके बारे में सुनने के बाद में रावण अपने आप को नहीं रोक पाता है, रावण अपने आप को नहीं रोक पाता है और उनका कारण दो हो गया, बदला लेने का भी कारण हो जाता है। मैं अपने मूल चीज में आऊँ, ये तो कारण क्या होता है, कैसे होता है, इन्होंने शब्दों में संयम नहीं रखा, उसका परिणाम क्या होता है। जब रावण मारीच को भेजता है, रावण मारीच को भेजता है, उनको कहता है तुमको स्वर्ण मृग बन करके जाना है, और जैसे तुमको बाण लगे वो पूरे घटना बता देता है, तुम श्री राम के आवाज, राम के आवाज में पुकारना लक्ष्मण लक्ष्मण, तो पूरे घटना घटती है। होता क्या है, मारीच जंगल में आता है, जंगल में आता है और स्वर्ण अमृग देखता है, श्री राम स्वर्ण अमृग देख करके सीता स्वर्ण अमृग देखती है और कहती है मुझे हिरण चाहिए, और हिरण चाहिए। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण तुम्हारी भाभी को यह हिरण पसंद है। लक्ष्मण इतने में कहते हैं भैया घना घोर जंगल है, स्वर्ण का मृग होता है होता ही नहीं है, ये राक्षसों से घिरा हुआ जंगल है, कहीं न कहीं जाल साज है, आप इससे सावधान रहिएगा। श्री राम जी कहते हैं चाहे जो भी हो तुम्हारे भाभी को पसंद है, या जिंदा या मुर्दा चाहिए, और श्री राम उसके पीछे चले जाता है, उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही श्री राम मारीच को बाण मारता है और श्री राम के आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारता है, मारीच लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारता है, इतना में माता सीता घबरा जाती है, और माता सीता घबरा जाती है और लक्ष्मण को कहती है तुम्हारे भैया विपत्ति में है, तुम चले जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे भैया को कोई विपत्ति नहीं हो सकता है, उनको कुछ भी नहीं हो सकता है, आप मत डरो। बहुत कहती है चले जाओ चले जाओ, नहीं जाती है। तब कटु वचन माता सीता बोलना शुरू करती है। माता सीता क्या बोलती है, ये चीज खास चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। माता सीता बोलती है तुम और भरत पहले से अयोध्या में मीटिंग कर चुके थे कि श्री राम को मार देंगे और लक्ष्मण को अपना लेंगे, मैं तुम्हारे चंगुल में कभी नहीं फंसने वाली हूँ। ऐसे कटु कटु वचन बोलती है जब माता सीता, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारिया है, राजा दशरथ की पुत्र वधू है, उनको भले ऐसे कटु कटु वचन बोलने की क्या जरूरत था। ऐसे ऐसे कटु वचन बोलती है और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं। रावण भेष बदल करके, भिखारी के भेष बदल करके आते हैं और उनको हर करके ले जाते हैं, हर करके ले जाते हैं। आप भी जीवन में संयम नहीं रखेंगे, बोलने पर संयम नहीं रखेंगे तो आपके परिवार से आप टूट जाएंगे, आपके परिवार से आप बिखर जाएंगे, आपके ही माँ बाप आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके सास ससुर आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके ही बेटे आपको पसंद नहीं करेंगे, आप अपने बुढ़ापे के लाठी को छीन लेंगे, आप सब बुढ़ापे के लाठी को छीन लेंगे। जीवन में संयम की बहुत जरूरत है, जीवन में संयम की बहुत जरूरत है। मैं थोड़ी देर और कहूँ, फिर अन्य संतजन विराजमान हैं, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। जीवन में संयम की जरूरत है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन में संयम की जरूरत। आइए मैं अब थोड़ी सी चर्चा व्यवहार की करूँ। आपका घर स्वर्ग कैसे बनेगा, आपका घर स्वर्ग कैसे बनेगा, थोड़ी सी चर्चा 10-15 मिनट, फिर अपनी बात समाप्त करूँ मैं। घर कैसे स्वर्ग बनेगा, जिस घर में मैं पहले ही कहा ईटिंग और मिटिंग, जिस घर में एक साथ होता है वह घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में भाई और भाई एक साथ गले मिलते हों, मानो वह घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि के समय एक साथ मानो माँ बाप भाई पुत्र बच्चे सब एक साथ मिल करके आपस में चरण स्पर्श करते हों, बड़े का चरण स्पर्श करते हों, छोटे को आशीर्वाद देते हों, दीप जलाते हों, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्यौहार है। आप रोज साल में एक दिन मनाते हैं, मैं रोज मनाने कह रहा हूँ, मैं रोज मनाइए, आप रोज मनाइए। आपको एक सूत्र देते जा रहा हूँ मैं यहाँ से,
इस क्षेत्र में पहले बार आया हूँ, एक सूत्र देते जा रहा हूँ। यदि आप घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे प्रथम आप जैसे ही बिस्तर से उठते हैं आप कभी शर्म मत करिएगा। आप सत्संग में आए हैं, कहेंगे आज पहला दिन कैसा, तो आप लोग कहेंगे कि सत्संग से आए हैं तब से बदल गए हैं। आप पहला दिन शुरुआत कर दीजिएगा आज शाम से या कल सुबह से ही, कल सुबह से ही जैसे ही बिस्तर से उठते हैं आप, बिस्तर से उठने के बाद में आप अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करिए, चरण स्पर्श करिए, माता पिता का चरण स्पर्श करिए, बड़े भाइयों का चरण स्पर्श करिए। आप चरण स्पर्श करते रहेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, इसके बदौलत आशीर्वाद मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो मंदिर में जाकर के चरण स्पर्श करना नहीं भूलते हैं, बहुत से लोग हैं मंदिर में जाकर के चरण स्पर्श करना नहीं भूलते हैं, दीप जलाना नहीं भूलते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे अंतस्तल में दीप जलाया है, जिन्होंने प्राण दिया है हमको, किसने प्राण दिया, माता पिता ने, उनका चरण स्पर्श करने से आप झुक जाते हैं, आप झुक जाते हैं, आप मत झुकिए। आप मंदिर में एक बार दीप नहीं जलाते हैं चल सकता है, मंदिर में एक बार भोग नहीं लगाते हैं चल सकता है, लेकिन माँ बाप को भोग लगाना मत भूलिए, माँ बाप का चरण स्पर्श करना मत भूलिए। आपके माँ बाप गाली भी देते हो, कटु भी कहते हो, कब तक कटु कहेंगे वो, कब तक कटु कहेंगे वो, कब तक गाली देंगे, आप चरण स्पर्श कहते रहिए, आप करते रहिए करते रहिए, आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। प्रथम सूत्र। और इसके बदौलत क्या होगा, इसके बदौलत आपके बच्चे सीखेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे आपका चरण स्पर्श करेंगे। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो कहते हैं बेटा साहब लोगों का चरण स्पर्श करो, बच्चे खड़े कहाँ चरण स्पर्श करते हैं, नहीं करते हैं चरण स्पर्श। लेकिन जैसे ही माँ बाप चरण स्पर्श करते हैं बच्चे को कहना नहीं पड़ता है, बच्चे तुरंत चरण स्पर्श करते हैं, आपसे सीखते हैं वो, आपसे सीखते हैं आप। मैंने पहले ही दिन कहा था आप अपने घर को मंदिर बनाइए, आप आपका घर कब्रिस्तान नहीं है, आपका घर नरक का द्वार नहीं है, स्वर्ग का फाटक खोलिए, आप स्वर्ग का फाटक खोलिए, आप चरण स्पर्श करिए। आपके घर में माहौल प्रेम का माहौल होना चाहिए, कभी सास और बहू मत लड़िए आप, पति और पत्नी मत लड़िए आप, पति और पत्नी लड़ते हैं आपस में, बच्चे को नरक का जीवन मिलता है। मैं घटना बताऊंगा, पति पत्नी आपस में लड़ते थे, पत्नी को कहते थे, पति कहता था तुम इस घर से चले जाओ, पत्नी कहती थी तुम इस घर से चले जाओ। एक 4 साल का बच्चा और एक 5-6 साल का बच्चा, उनका बच्चा देखता था पति और पत्नी, माँ और पापा आपस में लड़ रहे हैं, माँ और पापा आपस में लड़ रहे हैं। एक दिन स्थिति ऐसे आती है कि बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाता है, दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। छोटे से बच्चे 4 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा पहले अपने मम्मी के पास जाता है और मम्मी के पास जाकर के पूछता है क्या सच में माँ तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी। बच्चा क्या सीखा, 4 साल और 6 साल का बच्चा पूछता है क्या सच में माँ तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी। इतने में बच्चे फिर कहते हैं यदि माँ तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी तो हमको सुबह कौन उठाएंगे, हमको सुबह कौन स्नान कराएंगे, हमको स्कूल जाने के लिए तैयार कौन करेंगे, हमारा टिफिन कौन तैयार करेंगे। इतने में उनकी माँ की आँख खुल जाती है, बेटा मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। वो रो पड़ती है, उनकी आँख खुल जाती है। आप लड़ते हैं बच्चे का जीवन प्रभावित होता है, आप लड़ते हैं अपने आपके बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कल इस दिन भी एक दिन और कहा था यदि आप माँ बन गए हैं तो माँ बनने की अहमियत पैदा करिए आप। माँ बनना सरल है लेकिन माँ बनने की योग्यता पैदा कर पाना ये सरल नहीं है। आप सास बन गए हैं, बहू बन गए हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के बहू हैं, वो अहमियत पैदा करिए। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग की तरह रहिए आप, घर के बुजुर्ग हैं, सास है तो सास है तो बहू को प्यार दीजिए और प्रेम दीजिए कि आपकी बेटी ही है, आपकी बेटी है। जिस दिन आपकी बहू भी आपको बेटी नजर आ जाएगा उस दिन सच में आप माँ बन जाती है, उस दिन सच में आप माँ बन जाती है। यदि आपकी बहू में आपको बेटी नजर नहीं आ रहा है तो आप माँ नहीं बन पाएगी। इसलिए बच्चे उसके बाद में पिता के पास में जाता है और पिता को यही प्रश्न करता है क्या पापा सच में आप इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे, यदि आप इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे तो हमको स्कूल कौन ले जाएगा, स्कूल कौन ले जाएगा। इतना में उनका आँख खुलता है, कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे, आप अपने परिवार को सुंदर बनाइए, मत लड़िए आपस में पति और पत्नी,
आप आपस में पत्नी और पत्नी लड़ते हैं तो बहुतों को दुख मिलता है। पति और पत्नी लड़ते हैं, जिस घर से बेटी आई रहती है, जिस घर से बहू आई है, वहां तक संकेत जाता है, उसके माँ बाप दुख में पड़ जाते हैं। मैं कैसे घर अपने बेटी को भेज दी हूँ, इतना दुख में अपने आपस में पति और पत्नी लड़ रहे हैं, आपस में पति और पत्नी लड़ रहे हैं, कितना दुखी होते हैं। सास और बहू लड़ते हैं, जीवन तबाह हो जाता है बच्चों का। मैंने पहले ही कहा, जैसे ही आपके घर में बच्चा पैदा होता है आपका जीवन खत्म हो जाता है, आपका जीवन का सिर्फ केंद्र बन जाता है। आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, आप अपने बच्चों के लिए उच्च संस्कार दीजिए। घर में बिठाइए बच्चों को, 24 घंटा आप उनको पैसा कमाना सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं। कभी घर में बिठाइए बच्चों को, 5 मिनट 10 मिनट रोज बिठाइए और प्रेम की परिभाषा सिखाइए। बड़ों को कैसे सम्मान देना है, अतिथि को कैसे सम्मान देना है, संत गुरुजनों को कैसे आदर देना है, ये चीज सिखाइए। और जीवन का उद्देश्य क्या है ये चीज बताइए उनको। जीवन का उद्देश्य याद रखना, बेटा को अपने समझाइएगा, जीवन का उद्देश्य बेटा पैसा कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य बेटा महल ठोकना नहीं है, परिवार बढ़ाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य बेटा यही है कि आपस में प्रेम की जिंदगी जी लेना, प्रेम की जिंदगी जी लेना, ये जीवन का उद्देश्य है। सास और बहू ऐसे ही एक जगह लड़ रहे थे, सास और बहू लड़ रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में लड़ाई होती ही थी, लड़ाई हो गई थी। एक दिन ऐसे लड़ाई हुई कि सास और बहू में लड़ाई होने के बाद में सासू माँ रोते रोते कमरे में चली गई। सासू माँ रोते रोते कमरे में चली जाती है और कमरे में रो रही है। इतने में उनका छोटा सा पोता, 4 साल का पोता जाता है उनके कमरे में, 4 साल का पोता जाता है और 4 साल का पोता कमरे में जाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है और पल्लू उठा करके अपने दादी माँ का आंसू पोंछता है और दादी माँ को कहता है, दादी तुम रो मत। देखिए महत्वपूर्ण बात है, दादी तुम रो मत, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना, और मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी जब शादी होगी, और मेरी शादी होगी तो मैं अपने पत्नी को कहूंगा, तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, वो बहुत दुष्टा है, क्योंकि वो अपनी सासू माँ से बहुत लड़ती थी। क्या मिला आपको? जीवन तबाह हो जाएगा। मत लड़ो आप अपने परिवार से, प्रेम करो, आप प्रेम करो, प्रेम करो सासू माँ से, प्रेम करो। आप सासू माँ से प्रेम करोगे तो आप भी सासू माँ बनेंगे, आपको भी वही प्रेम मिलेगा। प्रेम की बात आई तो एक मेरे पास में एक और घटना है, मैं बताऊं। एक बुढ़िया माँ, 80 साल की अवस्था, चमड़ी इतना मुलायम सा हो गया था, यदि जोर से पकड़ दिया जाए, जोर से हाथ पकड़ा जाए तो चमड़ी छिल सकता था, इतना मुलायम हो चुका था चमड़ी, इतना जर्जरता की अवस्था आ गई थी। 80 साल की अवस्था, इतनी जर्जरता की अवस्था आ गई थी। उनको एक बेटी, एक बहू बड़े प्यार से नहला रही थी, बड़े प्यार से नहला रही थी। माताओं के लिए खास बातें कह रहा हूं मैं, बड़े प्यार से नहला रही थी। इतना में एक संत उधर से गुजरता है, गुजरते गुजरते पूछता है, बेटी क्या तुम्हारी माँ है ये? क्या तुम्हारी, प्रथम पूछते हैं, क्या तुम्हारे ये सासू माँ है? बड़े प्यार से नहला रहे हो। इतने में वो बेटी कहती है, बहू कहती है, नहीं संत भगवान, मेरी सासू माँ नहीं है। तो सासू माँ है, माँ नहीं तो क्या तुम्हारी माँ है, इतना प्यार से स्नान करा रही हो? तो इतने में वो कहते हैं, नहीं संत भगवान, माँ नहीं है, माँ से बढ़कर के है। इस दुनिया में माँ से बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं माँ से बढ़कर के। इतने में संत पूछते हैं, माँ से बढ़कर के बेटी और क्या हो सकता है? माँ से बढ़कर के पवित्र रिश्ता तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। इतने में बेटी बोलती है, महाराज जी, जिसके बदौलत मैं इस घर में टिका हूं, जिसके बदौलत मेरा सुहाग है, जिसके बदौलत मेरे मस्तक में बिंदिया लगी हुई है, जिसके बदौलत मैं सिंदूर भरा हुआ हूं, जिसके कोख में मेरा पति पला है, वो ये माँ है। जिसके कोख में मेरा पति पला है, जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, वो ये माँ है। महात्मन, जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, क्या इतना प्यार आप अपने बहू से करते हैं? आप इतना प्यार अपने बहू से करेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं अपने साथ घटना घटी वो बता रहा हूँ। आज से करीब 1 साल पहले मैं इलाहाबाद से रायपुर स्टेशन आया। रायपुर स्टेशन आने के बाद में एक जगह निवास था मेरा, वहाँ कुकीज सेंटर है, केक कैसे बनाया जाता है, टीचिंग पढ़ाई होती है। वहाँ पर एक जैन लड़की आती थी, बहू है, वो आई और पढ़ाई करती थी, 4-व्हीलर से आती थी। मैंने पूछा, आप ये कुकी सेंटर में आप सीखने क्यों आते हैं? क्या आप
स्टॉल लगाएंगे कि कुकीज सेंटर खोलेंगे, क्या करेंगे आप? मैंने पूछा, महाराज जी मुझे सब की शौक नहीं है। कहे, मैं कहा आप क्यों करते हैं? मुझे, मैं अपना टाइम वक्ता नहीं, गुजर नहीं रहा है, मेरा टाइम निकल नहीं रहा है, मैं उलझनों में उलझा हुआ हूँ। जो मेरे टाइम पास का साधन था वो गुजर गया, मेरे पास टाइम पास का साधन नहीं है, इसलिए मैं केक बनाने आता हूँ। मैं कहा टाइम पास का साधन क्या था? वो कहते हैं मेरा टाइम पास का साधन था मेरी माँ थी, मेरी माँ थी। वो कहते हैं मेरी माँ थी, मेरी माँ मतलब मेरी सासू माँ थी, मैंने जिसके साथ में करीब करीब 20 साल गुजारा। वो कहती है जिसके सामने मैंने 20 साल गुजार दी, और 20 साल गुजारने के बाद उनका नाम शांति माता थी, उनका नाम जैसे ही उनका जीवन था। महाराज जी मेरा 20 साल मानो 20 दिन की तरह निकल गया, मेरा 20 साल 20 दिन की तरह निकल गया, लेकिन अब मेरा 20 दिन मुझे 20 साल से भी अधिक लग रहा है। मेरा एक पल पल मेरा जीवन जीना मुश्किल हो चुका है। मेरी माँ थी, वो मुझे आज तक कटु वचन नहीं बोली, कड़ा वचन नहीं बोली, इनके साथ मैंने गुजारा है, मैंने माँ से बढ़कर के माँ पाया था। आप अपने परिवार को सुंदर बनाइए, मत कोसिए अपने माँ बाप को, कोसिए मत अपने माँ बाप का पालन पोषण करिए, अपने माँ बाप को प्यार से रखिए, जिन्होंने आपको अपने कोख में रखा, अपने स्तनपान कराया, साहेब जी ने कहा अपने कष्ट सह करके आपको पढ़ाई लिखाई कराया, आपको योग्य बनाया, मत कोसिए। आप भगवान की पूजा मत करिए, क्षम्य हो सकता है, लेकिन माँ बाप की पूजा करना मत भूलिए आप, माँ बाप को सम्मान देना मत भूलिए आप। यदि आप यह चीज करना भूल जाते हैं तो आपको वही चीज लौट करके मिलता है, वही चीज लौट करके मिलता है। एक बच्चा जिसका दादाजी था, उनके दादाजी था, जो कि उनके पिताजी उनको एक झोपड़ी में रखा हुआ था, एक झोपड़ी में रखा हुआ था, उनके लिए भोजन ले जाता, मिट्टी के बर्तनों में भोजन ले जाता, और मिट्टी के बर्तनों में भोजन ले जाता और भोजन कराता अपने पिता को, उसके नौकर ले जाता। उनका छोटा सा बच्चा देखता था, वो हुआ क्या, छोटा सा बच्चा करता क्या था, मिट्टी का बर्तन जिसे भोजन करा रहा है उस मिट्टी के बर्तन को इकट्ठा करके धो धो करके रखता था। एक दिन उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चा अपने दादा का जूठा बर्तन को धो धो करके रखता है। बच्चे को पूछता है बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहते हैं माँ आज आपके पास में करोड़ों का मकान है, करोड़ रुपया है, आपके पास पैसा है, द्रम धन द्रव्य है, आप रोज मिट्टी के बर्तन फेंकते चले जा रहे हैं। क्या पता एक दिन ऐसी स्थिति आई कि मैं भी मेरी आपकी अवस्था होगी, आप बुढ़ापे हो जाएंगे, आप बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़िया हो जाएंगी, तो मेरे पास में उतना पैसा नहीं रहा, तो ये मिट्टी के बर्तन में आपको भोजन दिया करूँगा। उनकी आंखें खुल जाती हैं। माँ बाप को हम किस तरह से बेकदर कर रहे हैं, माँ बाप को किस तरह बेकदर कर रहे हैं, वो अपने झोपड़ी से महल में ला करके स्वागत करता है। आप मत करिए, माँ बाप से कोसिए मत आप। एक बच्चा मंदिर देखा, माँ बाप से पूछता था पापा ये मंदिर किस लिए? कहे गरीबों के लिए होता है, अनाथों के लिए होता है, जिनको कुछ नहीं मिलता है वहां जाकर के भोजन कर लिया करते हैं। तो पापा को पूछते हैं पापा क्या ये मंदिर आपका है? नहीं बच्चा, नहीं बेटा ये मंदिर मेरा नहीं है, मंदिर दूसरे का है। एक दिन माँ बाप को और बच्चे को मंदिर एक जगह पार्टी में जाना था, एक जगह फंक्शन था, पार्टी में जाना था, रात्रि का 11-12 बजे आना था उनको, तो अपने माँ अपने बच्चे के साथ में अपने पत्नी के साथ में पार्टी में जाने की तैयारियां कर ली हैं। इतने में माँ बाप को कहते हैं मम्मी पापा आप मंदिर में चले जाना, वहां भोजन करके आ जाना। मम्मी पापा को कहते हैं मम्मी पापा आप मंदिर में चले जाना और आप भोजन करके आ जाना। बच्चे इतना में कहते हैं पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा, जब आप लोग बुढ़े हो जाएंगे तो आप दोनों को उस मंदिर में भेज दिया करूंगा, आप दूसरे के मंदिर में भेजते हैं, मैं खुद का मंदिर बनाऊंगा, उस मंदिर में भेजूंगा, आप लोग वहीं भोजन करना, क्योंकि हम लोग व्यस्त रहेंगे। देखिए बच्चे को क्या प्रभाव पड़ता है। जिंदगी को तबाह मत करिए। बहुत सुंदर जीवन मिला है, प्रेम से जिए, भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। संयम की परिभाषा मैंने पहले कहा, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, आप घर को स्वर्ग बनाइए,
बच्चों को सीख दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को टाइम दीजिए, परिवार को टाइम दीजिए। आप पूरे समय को जीवन के 90% शक्ति, 90% समय को आप धन कमाने में लगा देते हैं। कभी अपने परिवार के लिए टाइम लगाइए, कभी अपने आत्म कल्याण के लिए, कभी अपने उद्धार के लिए अपना समय लगाइए, कभी अकेले में बैठ करके आत्म चिंतन करिए, क्या मेरा जीवन किस लिए हुआ है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। आत्म चिंतन करिए, बोलिए सतगुरु देव की जय। बच्चे शांत रहेंगे, आप अपना टाइम सही जगह लगाइए, अपना सही जगह अपना समय लगाइए। आप एक कहानी कहूं, एक घटना, उसके बाद में अपने बात समाप्त करूं। एक जगह बच्चा अपने पापा से मिल नहीं पाता था, पापा से मिल नहीं पाता था, देखता था पापा हमेशा व्यस्त हैं। एक दिन हुआ क्या, उनके पास में इकट्ठा करते 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 50 रुपये इकट्ठा हो गया था, 50 रुपये इकट्ठा हो गया था। उनको पता था मेरे पास कुछ पैसा है, उनके पास में मिट्टी का बर्तन था, उसमें पैसा डालता जाता था, इकट्ठा कर रहा था। एक दिन अपने पापा से कहता है, पापा मुझे 50 रुपये दोगे क्या, अपने पापा से पूछता है। तो कहते हैं तुम पैसों को क्या करोगे, डांट देता है। फिर वह बच्चा दौड़ करके फिर जाता है, पापा प्लीज मुझे 50 रुपये दे दो। पहले से उनको पता था कि पापा एक घंटा में 100 रुपये कमाता है और उन्होंने 50 रुपये में पापा से मांगता है, पापा मुझे 50 रुपये प्लीज दे दो। दे देता है, बोलता भी है उनका पापा, सारी व्यवस्था तुम्हारे लिए मैं करता हूँ, जो खाना चाहिए, जो पीना है, जो कुछ चाहिए मैं देता हूँ, तुम पैसा को क्या करोगे। पर भी वो दे देता है। देने के बाद में उनके बच्चे को खुशी होती है और बच्चे कमरे में जाता है, कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद में अपना मटका रहता है, मिट्टी का बर्तन, उसको फोड़ता है, उनसे 50 रुपये उनको मिलता है, 100 रुपये लेता है और 100 रुपये लेने के बाद में अपने गिन लेता है, इकट्ठा कर लेता है, पापा के पास जाता है और पापा से पूछता है, पापा आप बहुत व्यस्त रहते हैं। हाँ बेटा मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। आपके पास टाइम नहीं है पापा? हाँ मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पापा आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? पापा कहते तुमको इससे क्या करना है, मैं कितना कमाऊं, तुम्हारी व्यवस्था तो मैं कर रहा हूं, तुमको क्या करना है इन चीजों से, पापा बताओ ना प्लीज कितना, एक घंटा में कितने रुपये कमा लेते हैं? कहे मैं एक घंटों में 100 रुपया, आज से बहुत पहले की बात है, एक घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। उनको बड़ा गर्व था, एक घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। वो करता क्या है, पापा से पूछ करके जाने के बाद में थोड़ा देर अपने बिस्तर पर जाता है और पूरा पैसा लेकर के आता है और पापा को 100 रुपये देता है, 100 रुपये देता है। पापा आज आप लोग हम आज आप हमारे साथ दोपहर का लंच एक साथ करेंगे, मैं आपका एक घंटा खरीदना चाहता हूँ, मैं आपका एक घंटा खरीदना चाहता हूँ। और अपने पापा को पैसा देता है, पापा शर्म से नीचे कर देता है सर। अपने बच्चे के लिए जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है उनके लिए एक घंटा का टाइम नहीं है, पैसा 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 बनाने की फैक्ट्री बना लिया जीवन को। आपका जीवन इतना बेशकीमती है, सुंदर जीवन का निर्माण करिए आप लोग, सुंदर जीवन का निर्माण करिए। बहुत सुंदर जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। मैंने एक चित्र पहले बताया कि आप सभी लोग महसूस करूंगा कि अच्छा जीवन जी रहा है। यहाँ से जाने के बाद सभी के सभी आसान से या कल सुबह से चरण स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, उसके बदौलत आपके बच्चे वो चीज सीखेंगे। और दूसरी चीज ये कि ऐसे ही विचारों को जुड़ने के लिए आप लोग संत महात्माओं को बुलाइए, कथा कहानी किस्सा में अपना टाइम बर्बाद मत करिए। आप जीवन के सीख जिससे मिले वो चीजें वो बातें आप लोग करें, कथा कहानी में अपना वक्त बर्बाद मत करिए। जो जीवन का उद्धार नहीं किया है वो दूसरे का उद्धार नहीं कर सकता है। जिनके मैं पहले ही कहा, जो पान खाता है, मुंह गलगला रहा है, रंगीला मुंह है, वो लोग क्या उद्धार करेंगे अपना। इसलिए ऐसे संतों को बुलाइए। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी रहना होता है, छत्तीसगढ़ में कहीं बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, कभी जन्मदिन में बुला रहे हैं, तो कभी मृत्यु में बुला रहे हैं, तो कभी गृह प्रवेश में बुला रहे हैं, तो कभी बहुएं आती हैं उनके आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं संतों को। शायद जी आप लोग कुछ प्रेरणा दे दीजिए कि बहू को कैसे रहना चाहिए, घर में सासू माँ को कैसे रहना चाहिए, कुछ प्रेरणा दे दीजिए। वहाँ घंटों 2 घंटा 4 घंटा प्रवचन होता है, इस प्रकार के आप लोग आयोजन करिए, संतों को बुलाइए, संत के नजदीक के संतों को बुलाइए, जिनको बुला सकते हैं बुलाइए, आप लोग प्रोग्राम करिए और बच्चे को संस्कार दीजिए। और उन लोगों से बचिएगा जो लोग आप किसी को बुलाते हैं और पैसा का डिमांड करते हैं कि इतना पैसा लगेगा, उन लोगों से सावधान रहिएगा, धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं।
मैंने काफी देर तक आप लोगों के बीच में बहुत सारी बात कही और बातें तो ऐसी है कि खत्म नहीं होती है, चलती चली जाती है। कबीर का विचार ऐसा है जैसे शाखे पर शाखे निकलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही विचार का स्रोत आता चला जाता है। ऐसे ही आप चिंतन करेंगे तो सारे विचार आपके अंदर आएगा। आपका जीवन इसीलिए है, आप चिंतन करिए, आत्मचिंतन। एक महान व्यक्ति बनना है आप सबको, एक योद्धा बनना है, अपने साथ लड़ाई करना है, अपने बुराइयों के साथ लड़ाई करना है। और संयम की परिभाषा के साथ घर को स्वर्ग बनाइए, घर को प्रेममय बनाइए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।